शिक्षक दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद बैंक विश्वविद्यालय शाखा में संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षकों का सम्मान समारोह गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, इलाहाबाद बैंक के उप महाप्रबंधक आनंद कुमार, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, डॉक्टर अजय शुक्ला सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को माल्यार्पण, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कुल 16 शिक्षकों को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने देश के प्रथम शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। बहुत शिक्षकों के यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम थे, उन्होंने शिक्षक बंधुओं, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि पिछली वर्ष इसी 5 सितंबर की तिथि के दिन जो हम शिक्षक दिवस मनाया करते थे, हम लोगों ने उस दिन शिक्षक दिवस नहीं मनाया था। हम लोग आंदोलनरत थे, धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे और जिस चीज़ के लिए प्रदर्शन किया था हम लोगों ने, सातवां वेतन आयोग के लिए प्रदर्शन किया था, वह इस शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार ने हमें सातवां वेतन आयोग दे दिया है। इसलिए राज्य सरकार भी बधाई की पात्र है और हम इस सभी शिक्षकों के संघर्ष, चाहे वो महाविद्यालय के शिक्षक रहे हों, चाहे विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हों, चाहे महासंघ के शिक्षक रहे हों, चाहे अन्य जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि सरकार ने हमें सातवां वेतन आयोग से परिपूर्ण करने का प्रयास किया, जो जल्द ही लग जाएगा। निर्देश करता हूँ आज के पुण्य दिवस पर और आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय का, माननीय कुलपति महोदय का, कि विगत बहुत सारे वर्षों की बात इस बार भी आपने हमें यह सुअवसर प्रदान किया कि हम आपका सम्मान करते हुए खुद भी सम्मानित हो सके। आपके बारे में, शिक्षक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन आपको सम्मानित करने की कड़ी में इलाहाबाद बैंक अपने आप को हमेशा सम्मानित महसूस करता है और गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ इलाहाबाद बैंक का जो संबंध रहा है वो विगत बहुत सारे वर्षों में लगातार इसी तरह से चला आ रहा है। इसको देखकर बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। ये विश्वविद्यालय पिछले 7 दशकों से करता रहा है और
भविष्य में अवनवोदित शिक्षकों के विश्वविद्यालय और बेहतर करेगा, ऐसी हमें आशा है। हमारे शिक्षक जो भी अपनी 20-30 साल की सेवा काल के बाद अपनी सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, वह एक धुरी पहिए की तरह है जो राष्ट्र को चलाता रहता है। और राष्ट्र जो है वो चलाने के लिए पहिए की जरूरत है, और पहिया तभी चलता है जब उस पर टायर होता है, और टायर अगर है तो रिटायर हो रहा है तो और बेहतर होगा। हमें नहीं लगता कि वो जो है रिटायर नहीं हो सकता। तो विश्वविद्यालय का जो हमारा शिक्षक जो टायर के रूप में रहे हैं, वह अपने पद से कुछ समय के लिए मुक्त हो रहे हैं, शायद अब ज़्यादा स्वतंत्र हैं अपने विचारों से समाज को उपयोजित करने के लिए, समाज को रखे पहले तो सर्विस कमीशन बने रहते हैं, छात्रपुर की अपनी बातें निर्वाधिक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन एक बार इससे मुक्त हो जाते हैं तो अपनी विचारधारा को अपनी संस्कृति को आप आगे और बढ़ाएंगे, हमारे समाज की सेवा करेंगे, इस क्षेत्र की सेवा करेंगे, इस देश की सेवा करेंगे, और विश्व में हमारा जो स्थान है सदियों से ये माना जाता रहा है कि भारत देश हमारा जो है ऋषि मुनियों का देश रहा है, गौरवों का देश रहा है, और ये कहा जाता है कि स्वदेशी पूज्य थे राजा विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, तो हमारे राजा की पूजा तो सभी देश में होती है, लेकिन जो विद्वान होते हैं उनकी कोई पोशाक यहाँ के अलग नहीं, पूरे विश्व में अपना प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं देश को, तो हमारे लिए बड़े गौरव पूर्ण क्षण है ये। इस अवसर पर हमारे इलाहाबाद महाप्रबंधक जो हैं उन्होंने इस क्षण को इस्तेमाल किया और हमें गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है, उन्होंने शिक्षकों के नाम को आपको सम्मानित करके स्वयं भी गौरवान्वित हूँ। और जैसा कि अभी बताया अध्यक्ष महोदय ने कि हमारा विश्वविद्यालय पिछले 4-5 सालों से प्रदेश में शिक्षक से का सम्मान हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मिल रहा है, जो यह प्रदर्शित करता है कि विश्वविद्यालय की गरिमा की बढ़ी रही है। और पुरानी हमारी संस्कृति में भी कहावत है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारा शिक्षक जो होता है किसी राष्ट्र का निर्माण करता है, किसी राष्ट्र का क्या स्थान है विश्व में इस बात पर निर्भर करता है, तो वहाँ के विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में महाविद्यालयों में किस तरह के शिक्षक हैं, अगर वो शिक्षक अच्छे हैं तो निश्चित रूप से वो आने वाली जनरेशन होगी वो ज़्यादा संस्कृत और ज्ञान परिपूर्ण होगी, करते हैं वो अच्छे भी होते हैं और माता पिता को शिक्षण देते हैं, लेकिन उसको इससे का रूप देना एक मोटी का रूप देना गुरुजनों का ही काम है, जो हमारे विश्वविद्यालय के गुरुजन पिछले 7 दशकों से कर रहे हैं। और अब नई टीम भी आ गई है शिक्षकों की, वो पुरानी प्रकृति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का मान और बढ़ाएगी, उसका सम्मान बढ़ाएगी, हमारे विद्यार्थियों का बेहतर भविष्य बनाएगी, उज्ज्वल करेगी, देश का मान बढ़ाएगी, पूर्वांचल का मान बढ़ाएगी। इस कामना के साथ मैं आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ में पूरा हमारे जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनकी लंबी जीवन लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना।